नमस्कार दोस्तों, सेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप थ्री स्पीड मोटर को आप दोनों तरफ से घुमा सकते हैं। यानी कि ये जो मोटर दिखाई दे रही है आपको, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो नई मोटर दिखाई दे रही है, देखिए ये नई मोटर है और ये पुरानी वाली मोटर है। देखिए ये पुरानी वाली मोटर क्या थी कि ये पूरी तरह से जल चुकी थी और इसके साफ बुझते वो भी ख़राब हो चुके थे। तो मैंने ग्राहक को राय दिया कि भाई देखो, मैं 500 रुपये, 550 रुपये तो इसकी वाइंडिंग करने के लूँगा ही लूँगा और 400 रुपये इसके शार्पड बुश डालने के लूँगा। तो यानी कि 500 और 400 रुपये कितने हो गए, 900 रुपये हो गए। तो मैंने ग्राहक को बोला कि भाई देखो, आप 400 रुपये 500 रुपये और एक्स्ट्रा मिला के आप नई मोटर ही ले आना। और प्रॉब्लम दूसरा फंडा ये था कि ये जो मोटर दिखाई दे रही है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्या है कि ये वाली मोटर अब बंद हो गई है, ये वाली मोटर मार्केट में मिलती ही नहीं है, इस वजह से ये वाली मोटर आई है और इसमें प्रॉब्लम ये आ गई साथ के अंदर। देखिए ये जो मोटर दिखाई दे रही है ये राउंड इस तरफ से ले रही है, लेकिन अपने को घुमाना क्या है कि अपने को इस तरफ से घुमाना है, तब जाकर इस वाली पुरानी मोटर की पंखुड़ी इस तरफ से लगेगी और तब जाकर हवा देगी। लेकिन ये जो मोटर है वो इस तरह से घूम रही है। देखिए मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा मेन बोर्ड है और मैंने कॉमन है, ये वाला जो वायर है ये कॉमन रहता है हमेशा, और मैंने इसको कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं अपनी मोटर इस तरह से राउंड ले रही है, यानी कि इस तरफ से घूम रही है। देखिए तो आप देख सकते हैं अपनी मोटर इस तरफ से घूम रही है। मैं मोटर को आड़ी कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। अब चलाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए मोटर इस तरफ से घूम रही है, लेकिन अपने को करना क्या है कि मोटर को इस तरफ से घुमाना है क्योंकि इस वाली मोटर की पंखुड़ी अपने को इसमें लगानी है। और अगर ये इस और अगर ये वाली पंख इसकी और अगर पुरानी वाली मोटर की पंखुड़ी अपन नहीं लगाते हैं तो अपने को दूसरी वाली पंखुड़ी लाना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था इसके साथ में, देखिए इस वाली मोटर की पंखुड़ी छोटी थी और इस वाली मोटर की पंखुड़ी थोड़ी साइज़ में बड़ा आएगी तो उस कूलर के अंदर ये मोटर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से अपने को इस पुरानी वाली मोटर की पंखुड़ी ही इसके अंदर लगानी है, तब जाकर अपना सारा काम सिस्टम एकदम ओके होगा। अब देखिए करना क्या है कि सबसे पहले अपने को इस कैपेसिटर को खोलना है, इसको उल्टा घुमाने के लिए। अभी इस तरह से राउंड ले रही है, लेकिन अब अपने को इस तरह से राउंड देना है इस मोटर के अंदर, तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैपेसिटर को खोल लिया है। अब कैपेसिटर पे आपको दो वायर निकले हुए मिलेंगे। अब देखिए अपने को करना क्या है कि इन तीनों वायर को इधर से फ्री कर देना है, बिल्कुल फ्री कर देना है। इन तीनों वायर को अपने को काम में नहीं लेना है। आप चाहें तो इन वायर को काट भी सकते हैं। अपने को कॉमन वायर लेना है, केवल और केवल कॉमन वायर पर अपने को फोकस करना है। इन तीनों वायर को आप काट भी सकते हैं। चलिए मैं इसको वायर को काट देता हूँ इधर से। ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं इन तीनों सिरों को काट देता हूँ। पहले क्या होता था, इन दोनों को इसका जो ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल डाटे में क्या है कि ये इस तरफ से राउंड लेती है तो अपने को इन तीनों वायर में से किसी एक पे फेस दे देते हैं और इसको कॉमन रखते हैं। लेकिन अब अपने को करना क्या है कि देखिए अपने को एक वायर इधर कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं एक वायर इधर कनेक्ट कर देता हूँ और इस मोटर को इस तरफ से घुमा कर दिखाता हूँ। चलिए मैं एक वायर का प्रयोग करता हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने एक वायर लिया है और इस वायर को इस कॉमन के साथ में इसको अटैच कर देते हैं। देखिए मैंने इस कॉमन वायर के साथ में इस वाले वायर को टच कर लिया है। इसको चलाने के लिए अपन इस लीड का उपयोग नहीं करेंगे, अपन कोई दूसरा वायर लेंगे और इन तीनों वायर को यहाँ से कट करके आप टेप भी लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इन तीनों वायरों को यहाँ पे रख देता हूँ ताकि अपने को कोई दिक्कत ना आए। चलिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉमन पर एक वायर फिक्स कर दिया है और मेरे पास में दो वायर बच गए। अब इन दोनों वायर को इस पे लगा देते हैं। देखिए मैंने इधर लगा दिया है। अब अपने को मोटर को अब देखिए मैंने इधर इसमें करंट दे दिया, यानी कि इस पे न्यूट्रल और फेस दे दिया है और इसका जो कॉमन वायर है, कॉमन वायर पे न्यूट्रल करंट पहुंच चुका है। अब देखिए कैपेसिटर पे दो वायर है। देखिए कैपेसिटर पे दो वायर निकले हुए मिलेंगे आपको। अब मोटर देखना, आप मोटर किस तरह से घूमती है तो आप देख सकते हैं मोटर इस तरह से घूम रही है। लेकिन पहले क्या थी कि मोटर इस तरह से राउंड ले रही थी, यानी कि अपनी जो मोटर है वो इस तरह से घूम रही थी, यानी कि इसका जो मोटर का चक्कर था वो इस तरह सा, देखिए मोटर का जो चक्कर था वो इस तरह से घूम रहा था। लेकिन अब देखिए अपने को मोटर को इस तरह से घुमाना है। देखिए पहले इस तरह से घूम रही थी, लेकिन अब अपने को मोटर को इस तरफ से घुमाना है। तो आप देख सकते हैं मोटर के राउंड उल्टे हो गए हैं, यानी कि मोटर का जस्ट अपोजिट हो चुका है। देखिए आप गौर कर सकते हैं मोटर को। देखिए मोटर पहले इस तरह से घूम रही थी, लेकिन मोटर अब इस तरह से घूम रही है, यानी कि मोटर के राउंड हैं वो अब इस तरह से हो गई है। अब अपन चाहे तो इस पुरानी वाली मोटर की पंखुड़ी
इस मोटर के अंदर लगा सकते हैं आसानी से। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो मोटर दिखाई दे रही है अब ये सिंगल स्पीड में काम करेगी, क्योंकि पहले इस पर थ्री स्पीड के तीन वायर थे, लेकिन अब हमने इसको सिंगल स्पीड में बना दिया है। तो अब इस पर रेगुलेटर आप लगा सकते हैं, जो अपन फैन में रेगुलेटर लगाते हैं वो सिंगल स्पीड रेगुलेटर इस पर लगा सकते हैं, थ्री स्पीड रेगुलेटर इस पर काम नहीं करेगा। तो आप सिंगल स्पीड का रेगुलेटर इस पर लगाकर आप अपना काम चला सकते हैं।